Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. Hello everybody. Magnitude Institute के Know Your State की सीरीज में आपका स्वागत है. हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं Know Your State, जिसमें मैं सभी स्टेट्स के बारे में, उसका कल्चर, फॉरेस्ट एरिया क्या उसका ट्रेडिशनल है, इकोनॉमी किस पर डिपेंड है, पॉलिटिकली वहाँ पर क्या चल रहा है, तो उन सब के एक ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एक आइडिया है हर एक स्टेट के बारे में. राइट, नागालैंड की बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग नागालैंड से ही शुरुआत करेंगे. नागालैंड की हिस्ट्री क्या, उसका एवोल्यूशन रहा है, किस तरह से उनकी पूरी स्टोरी है, क्या उनका वहाँ पर जो कुछ भी डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, तो ये सभी के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंटरनल सिक्योरिटी की सीरीज के अंदर. इसका लिंक आई बटन पर आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक डाल दूंगा. शुरू करते हैं नागालैंड ओवरव्यू के बारे में. तो नागालैंड जो है वो इंडियन स्टेट, एक स्टेट ऑफ इंडियन स्टेट है, जो पूरा के पूरा हिल्स और माउंटेन्स वाला रीजन है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर. ये सबसे छोटा स्टेट है, सबसे छोटा तो नहीं बोल सकते, लेकिन वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट है इन द इंडिया. नागालैंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर साउथ में, असम वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, और ईस्ट की तरफ म्यांमार से घिरा हुआ है, ठीक है. तो ये सारे उसके इंडियन स्टेट्स एंड दूसरी कंट्री म्यांमार नागालैंड के आसपास है. जो कैपिटल नागालैंड का, उसका नाम है कोहिमा. सदर्न पार्ट ऑफ द नागालैंड में वो सिचुएटेड है. एरिया की बात करते हैं, 6401 स्क्वायर माइल्स में पूरा एरिया में फैला हुआ है नागालैंड. स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 16,579 स्क्वायर किलोमीटर में. पॉपुलेशन जो है वो 19,78,502 है एज पर 2011. रिलीफ एंड ड्रेनेज की बात करते हैं तो नियरली जितने भी पूरा, मतलब जो नागालैंड है वो पूरा माउंटेनियस रीजन है. नॉर्थ के अंदर नागा हिल्स है जो एब्रप्टली राइज हो रही है फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली, तो वहाँ पर राइज हो रही है ये 2000 फीट से, और ये इंक्रीज होती है उसकी एलिवेशन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हुए 6000 फीट तक. जो माउंटेन रेंज है, जिसका पतकाई रेंज वाला जो अरकन सिस्टम का हिस्सा है, ये म्यांमार बॉर्डर से पूरा जुड़ा हुआ है, और इसके मैक्सिमम हाइट है 12,552 फीट, और उसकी ऊंचाई का नाम है माउंट सरामती. जो रीजन है वो डी वहाँ का, वो पूरा रिवर्स से डाइसेक्टेड है. दोयांग और दिखू नॉर्थ के अंदर, बराक रिवर साउथ वेस्ट के अंदर, और उसकी ट्रिब्यूटरी चिंदविन रिवर्स की साउथ ईस्ट के अंदर, ये म्यांमार के अंदर जाती है. तो ये कुछ मेजर रिवर्स है या तो ड्रेनेज सिस्टम है नागालैंड की. क्लाइमेट की बात करते हैं तो मॉनसूनल क्लाइमेट रहता है वहाँ पर. एनुअल रेनफॉल होती है 70-200 इंचेस, यानी कि 1800 से 2500 mm की, और साउथ वेस्ट मानसून वहाँ पर होता है, यानी कि मई के सेप्टेम्बर से बीच में. टेम्परेचर की बात करते हैं तो जितना आप हाइट में जाओगे, एलिवेशन में जाओगे, उतना टेम्परेचर वहाँ पर गिरता है. समर्स के अंदर टेम्परेचर वेरी करता है फ्रॉम 21-23 डिग्री सेंटीग्रेड टू 38-40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि विंटर में ये गिरकर हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है, और फ्रॉस्ट भी विंटर के टाइम पर हाई एलिवेशन पर पहाड़ों पर दिखता है. ह्यूमिडिटी लेवल वहाँ पर हाई रहती है थ्रू आउट द स्टेट. प्लांट्स एंड मैरिन एनिमल्स की बात करते हैं तो फॉरेस्ट एरिया 1/6 एरिया कवर करता है नागालैंड का, फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है. बिलो 4000 फीट जो है नागालैंड का एरिया, वहाँ पर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिसके अंदर पाम, रतन, बैम्बू और दूसरे टिम्बर स्पाइसेस जैसे कि महोगनी जैसे पेड़ जो है वहाँ पर पाए जाते हैं. कॉनिफॉरेस्ट फॉरेस्ट फॉरेस्ट भी है वहाँ पर हायर एलिवेशन पर. वहाँ के लोग जूम कल्टीवेशन या तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि जंगल को जलाकर उसको फर्टाइल बनाकर एक बार के लिए फिर खेती करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है और फर्टिलिटी लॉस हो जाती है. एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, बियर, सेवरल काइंड ऑफ मंकी, सांबर डियर, बफेलो, वाइल्ड ऑक्सन, राइनोसॉर्स, ये सभी लो हिल एरिया के अंदर पाए जाते हैं. उसके अलावा पॉर्क्यूपाइंस, पेंगोलिन, वाइल्ड डॉग्स, फॉक्सेस, सीवेट कैट्स एंड मंगूस जैसे जो एनिमल्स है वो नागालैंड के अंदर दिखते हैं. लॉन्ग टेन फेदर वाली ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ये एक बर्ड है. तो इस प्रकार का लॉन्ग टेल फेदर वाले जो पहनावा है नागालैंड के लोग ट्रेडिशनल सेरेमोनियल्स ड्रेस के तौर पर पहनते हैं. पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करते हैं तो जो नागा जो एक इंडो एशियाटिक लोग है उनकी कुछ 20 प्रकार की ट्राइब्स है, और उसके अलावा न्यूमरस सब ट्राइब्स भी मौजूद हैं.
हर किसी का एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, भले ही वो बहुत सारे कल्चरल ट्रेल्स को एक जैसे शेयर करते हैं, लेकिन ये ट्राइब्स जो है वो आपस में आइसोलेशन मेंटेन करते हैं और लैक ऑफ कोहेजन है एज अ सिंगल पीपल। कोन्याक्स ये लार्जेस्ट ट्राइब है, उसके अलावा जो सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब एंड थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब्स में आओस, तैंगखुल्स, सेमंस एंड अंगामीज है। दूसरे ट्राइब्स जो नागालैंड के अंदर रहते हैं वो है लोथास, संगताम, फोम्स, चांग्स, केमनुनगाम्स, यिमचुनग्रेज, जेलिंग्स, चाकेसांग्स जिसको चौकरी बोलते हैं, और रेंगमांग्स, जिसके प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट ये जो ट्राइब्स हैं वहाँ पर नागालैंड के अंदर रहती है। उसके अलावा नागालैंड जो नागा ट्राइब्स हैं उनके पास कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, उसकी कमी है। 60 डायलैक्ट्स को वो लोग बोलते हैं अपने रेगुलर डे टू डे के अंदर, जो सभी के सभी सीनो टिबेटियन लैंग्वेज की फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ एरिया में गांव से गांव, हर गांव से एक गांव से दूसरे गांव तक डायलैक्ट्स बदलते हैं। इंटर ट्राइब्यूनल कन्वर्सेशन जो होता है वो आसामीज और कई सारे नागा लोग इंग्लिश और हिंदी भी बोलते हैं, और इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है उस स्टेट का। जो ट्रेडिशनल नागा रिलीजन है वो कंसेप्शन की इस कंसेप्शन के ऊपर है कि भाई जो नेचर है, मतलब एक सुप्रीम क्रिएटर है और आफ्टर लाइफ भी एग्जिस्ट करता है, वैसे वो लोग वहाँ पर मानते हैं और नेचर को बिलीव करते हैं कि ये इनविजिबल फोर्स है। उसके अलावा माइनर डेटीज़ में ये लोग विश्वास करते हैं और स्पिरिट है जिसकी वजह से प्रेस्ट और मेडिसिनल मैन मेडिएट, इन सब पर ये लोग बिलीव करते हैं। 19th century के अंदर जब ब्रिटिश रूल्स का वहाँ पर आगमन हुआ तो क्रिश्चियनिटी भी इंट्रोड्यूस हुई नागालैंड के अंदर। बाप्टिस्ट मिशनरीज वहाँ पर आए थे, एक्टिवली उस रीजन में काम कर रहे थे और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है 2/3 क्रिश्चियन वाला हो गया, विथ हिंदू एंड मुस्लिम्स उसके बाद के क्रिश्चियन, फिर हिंदू और मुस्लिम ये सभी भी वहाँ पर लोग रहने लगे। जो रिमेन्स है, मतलब जो बचा हुआ रिमेन्स है हिंदू किंगडम का, उसको डिस्ट्रॉय किया गया था ओम डायनेस्टी के द्वारा 16th century के अंदर दीमापुर के अंदर, और ये एंशंट कचेरी कैपिटल था दीमापुर, और ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ नागालैंड जो है वो वहाँ पर आसाम फेस करता है। सेटलमेंट पैटर्न की बात करते हैं तो नागालैंड एक रूरल स्टेट है, मोर देन 4/5 जो पॉपुलेशन है स्मॉल आइसोलेटेड गाँव में रहते हैं। ये पूरा का पूरा बिल्ड किया गया है प्रोमिनेंट पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पर रिज ऑफ हिल्स रहते हैं, यानी कि दो हिल्स के बीच में जो रिजेस होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादातर रहते हैं, और ये सभी विलेज वाले एरिया के अंदर रहते हैं। विलेज को डिवाइड किया गया है खेल्स या तो क्वार्टर्स के अंदर, हर विलेज के अंदर डिवीजन किया है कि भाई ये एक खेल या दूसरा खेल क्वार्टर्स के अंदर, और हर एक खेल या क्वार्टर्स का एक हेडमैन एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। दीमापुर और कोहिमा इकलौते अर्बन सेंटर है नागालैंड के जहाँ पर 50,000 से पॉपुलेशन के लोग वहाँ पर रहते हैं। इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर जो है वो अबाउट 19th पॉपुलेशन का एम्प्लॉयमेंट देता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर वहाँ पर राइस, कॉर्न जिसको मेज भी बोलते हैं, स्मॉल मिलेट्स, पल्सिस में लेग्यूम्स, ऑयल सीड्स, फाइबर्स, शुगर केन, पोटैटो, टोबैको, ये सब प्रिंसिपल क्रॉप्स हैं वहाँ के। नागालैंड हाउएवर स्टिल हैज़ टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट ऑफ फूड। नागालैंड को अभी भी इतना सब होने के बावजूद भी पड़ोसी स्टेट्स से डिपेंड रहना पड़ता है फूड के लिए। वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस होती है झूम कल्टीवेशन की वहाँ पर, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन एंड सॉइल की फर्टिलिटी का नुकसान होता है। सिर्फ अंगामीज और चाकेसांग्स जो ट्राइब्स है सदर्न रीजन के अंदर कोहिमा के, वो टेरेसिंग और इरिगेशनल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं खेतीबाड़ी में। ट्रेडिशनली इम्प्लीमेंट जो औजार है उनके वो है लाइट हो, ददाओ जिसको मल्टीपर्पज़ हैवी नाइफ बोलते हैं, सिकल है। प्लेन्स के अंदर ये सब यूज़ नहीं होता, मतलब एक्सेप्ट इन प्लेन्स ये सब वहाँ पर यूज़ नहीं होता। फिर फ्लो भी वहाँ पर यूज़ नहीं होता। फॉरेस्ट्री भी एक प्रकार की प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया है नागालैंड के लोगों के लिए। बात करते हैं रिसोर्स एंड पावर की, तो क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन और लाइमस्टोन ये सब नागालैंड के अंदर पाया जाता है, बट ओनली लो ग्रेड कोल डिपॉजिट वहाँ पर प्रेजेंट है। बोर होल्स को भी ड्रिल किया गया है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वोका के अंदर, जहाँ पर ऑयल रिजर्व्स पाए गए हैं। दीखू वैली के सीपेजेस भी किया हुआ है दीखू वैली में जो आसाम के पास है, और वहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि ऑयल रिजर्व्स का एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पर हो सकता है। पावर जनरेशन जो मेनली वहाँ पर डिपेंड रहता है डीजल प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक
के निर्भर के ऊपर। मोर देन 0.5% का जो नागालैंड का पावर है वो आसाम में जनरेट होता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो अंटिल द अर्ली 1970 सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री जैसे कि वीविंग, वुडवर्क, बास्केटरी और पॉटरी जैसी इंडस्ट्री वहाँ पर एग्जिट करती थी, क्योंकि वहाँ पर पुअर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रॉ मटेरियल की कमी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी और पावर हिंडर्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इसकी वजह से काफ़ी लो जा रहा था। दीमापुर वहाँ का जो शहर है, द स्टेट लीडिंग द इंडस्ट्रियल सेंटर, तो दीमापुर स्टेट का इंडस्ट्रियल लीडिंग सेंटर है। वहाँ पर शुगर और डिस्टिलरी मिल्स, ब्रिक फैक्ट्री और टेलीविजन असेंबली प्लांट्स है। दूसरी इंडस्ट्री जो स्टेट के अंदर है वहाँ पर खांडसरी यानी कि मोलेसेस का मैन्युफैक्चरिंग, फूड स्टफ, पेपर, प्लाईवुड एंड फर्नीचर प्रोडक्ट्स का कारखाना वगैरह बनता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो नागालैंड मोस्टली डिपेंड है रोड के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेशनल हाईवे वहाँ पर है दीमापुर से कोहिमा और बाद में ये इम्फाल मणिपुर के अंदर चला जाता है। दूसरा जो मेन रोड है वो लिंक करता है मोकोकचुंग विद अमगुरी को असम स्टेट के अंदर जो है, और जो शॉर्ट स्ट्रेच वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का भी पास होता है दीमापुर से जो असम से निकलता है, और ये इकलौता रेल ट्रैक है जो नागालैंड को बाकी के इंडिया से जोड़ता है। एयर सर्विस भी अवेलेबल है फ्रॉम दीमापुर टू गुवाहाटी असम के अंदर एंड कोलकाता के अंदर तक भी ये लोग फ्लाइट्स का अवर जवर नागालैंड से रहता है। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो नागालैंड को गवर्न करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड होता है चीफ मिनिस्टर, जो रिस्पॉन्सिबल रहता है 60 मेंबर लेजिस्लेटिव या विधानसभा को संभालने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है गवर्नर जिसको अपॉइंट करता है प्रेजिडेंट। स्टेट को डिवाइड किया गया है 7 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। दूसरे इंडियन स्टेट्स के जैसे नागालैंड में जो है एक लार्जर डिग्री की ऑटोनॉमी दी हुई है जो बाकी स्टेट्स को इतनी नहीं दी हुई, ठीक है, बहुत कम स्टेट्स है जिसको ऑटोनॉमी दी हुई है, उसमें से एक नागालैंड है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि उसके ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत सारे रहते हैं, इसलिए हर एक ट्राइब की एक हायरार्की ऑफ काउंसिल रहती है गाँव के अंदर और ट्राइबल लेवल के अंदर। वो लोग क्या करते हैं, डील करते हैं सारे डिस्प्यूट्स को, ब्रिचेस को, जो कस्टमरी लॉज है और उसकी यूजेजेस है उन सब को लेकर, और जो अपील है इन सब केसेस की वो कहाँ पर की जाती है, नागा ट्राइब्यूनल के पास। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी बनाए गए हैं तुएनसांग डिस्ट्रिक्ट के लिए जो रीजनल काउंसिल के अंडर में आता है, जिसको इलेक्ट करते हैं सभी ट्राइबल्स जो उस डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के अंदर रहते हैं। हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो स्टेट जो है वो कंसिडरेबली एम्फेसिस करता है पब्लिक हेल्थ को लेकर, कई सारे प्रोग्राम्स वहाँ पर चलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए। मोर देन 4/5 नागालैंड का पॉपुलेशन लिटरेट है जो नेशनल एवरेज से भी कहीं ज़्यादा है। उसके अलावा न्यूमरस प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स है, स्टेट के पास कॉलेजेस भी है हायर एजुकेशन के लिए, नागालैंड यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर मौजूद है जिसको यूनियन सरकार चलाती है, एडमिनिस्टर करती है। कल्चरल लाइफ की बात करते हैं तो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेरी करता है फ्रॉम ऑटोक्रेटिक एंगेज जिसको चीफ कहते हैं कोनियांग ट्राइब्स का, उसके हेरिडिटरी चिफ्टनशिप्स को संभालते हैं सीमन एंड चांग्स के लोग वहाँ पर होते हैं, और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर अंगामीज, आओस, लोथास और रेंगमास के ट्राइबल लोग रहते हैं जो कल्चरल लाइफ को एंजॉय करते हैं। जो प्रोमिनेंट विलेज इंस्टीट्यूशन है वो है मोरूम, जिसको कम्युनल हाउस या डॉर्मिटरी भी बोलते हैं, जहाँ पर सभी अनमेरिड मैन रहते हैं, जहाँ पर स्कल एंड दूसरे ट्रॉफीज जो वॉर के अंदर जीते गए वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। द पिलर आर स्टिल कार्व्ड विद द स्ट्राइकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ, वहाँ पर पिलर्स भी कार्व्ड किया जाता है और पिलर के ऊपर टाइगर्स, हॉर्नबिल्स, ह्यूमंस एंड दूसरे फिगर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। नागालैंड के अंदर महिलाओं को एक काफ़ी ऊँचा दर्जा दिया गया है, ऑनरेबल पोस्ट दिया गया है, पोजिशन दिया गया है नागा सोसाइटी के अंदर। वो मैन की तरह इक्वल टर्म में काम करते हैं फील्ड पर और इन्फ्लुएंस करते हैं ट्राइबल काउंसिल के अंदर भी। जो सेंट्रल फीचर है नागा लाइफ का वो है फीस्ट ऑफ मेरिट, सीरीज ऑफ सेरेमनीज भी वहाँ पर होती रहती है, सेक्रीफाइस किया जाता है मिथन का जो एक डोमेस्टिक वायर है। हर ट्राइब का एक अपना गेनाज है यानी कि फेस्टिवल है, और उसके अलावा नागा का डांस, म्यूजिक, सॉन्ग, फोल्कलोर्स ये सभी एक्सप्रेस करता है उनकी लाइफ के बारे में, जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है। तो एक बार आपको नागालैंड विजिट करना चाहिए, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के खूबसूरत लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए और उनको सपोर्ट भी करना चाहिए हर तरीके से, बिकॉज ये सभी अपने इंडिया का ही एक हिस्सा है।
सो आई होप आपको नागालैंड ओवरव्यू और हमारी ये जो सीरीज की इनिशिएटिव है वो आपको पसंद आया होगा। फर्दर कोई भी आपके पास सजेशन या कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।